Very good evening to all of you. In this video, I am going to talk about differential diagnosis of acute red eye. Three condition aisa jahan pe hame acute red eye dekhne ke liye milta hai, hai na? Acute conjunctivitis, acute iridocyclitis and acute congestive glaucoma. Aur bhi bahut sara condition hai, but in tino condition ko hame hai na differentially diagnose karna aana chahiye. Aap jab acute conjunctivitis ke bare mein padhte ho, wahan pe differential diagnosis mein likha rehta hai na. Acute iridocyclitis के बारे में पढ़ते हो वहाँ पे लिखा रहता है और acute congestive glaucoma के बारे में पढ़ते हो वहाँ पे लिखा रहता है ना. तो खुराना सर के बुक में बहुत अच्छा चार्ट दिया हुआ है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है, बट दिक्कत क्या होती है ना वहाँ पे 13-13 पॉइंट है ना, तो हमें पॉइंट ही नहीं याद आता है. सबको पता है कि acute red eye में हमें acute conjunctivitis में क्या देखने के लिए मिलेगा है ना, acute iridocyclitis में क्या देखने के लिए मिलेगा, acute congestive glaucoma में क्या देखने मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको एक निमोनिक बताऊँगा जिससे जो 13 पॉइंट दिए गए ना वो बहुत ईजिली आपको याद हो जाएंगे है ना. और सेम मैंने इस तरह से रैपिड सेंड फिल्टर और स्लो सेंड फिल्टर पे भी बनाया है वीडियो. ठीक है, आप लोग उसको भी देखें. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्यूट रेड आई और सरकम कॉर्नियल कॉन्जेशन. तो बेसिकली यहाँ पे जो मैं निमोनिक यूज़ करूँगा वो है OPD में CCTV से पिक आया. ठीक है, OPD है ना, वहाँ पे CCTV लगा हुआ है उससे पिक आया. ठीक है, बहुत ईजी निमोनिक है, OPD में CCTV से पिक आया. तो बेसिकली जो ये OPD है ना, ये सिम्टम्स है ना, ये पेशेंट लेके आएगा, दैट इज ऑनसेट पेन और ड्यूरेशन और डिस्चार्ज है ना, अब जो भी बोले. और दूसरा उसके बाद जो मैं CCTV मैंने बोला है OPD, ओके, ऑनसेट पेन ड्यूरेशन ये पेशेंट आपको बताएगा. साइन आप क्या देखोगे, मैं CCTV देखोगे. ओके, मैं CCTV, M फॉर मीडिया, C फॉर कंजेशन, C फॉर कलर्ड हेलोज, T फॉर टेंडरनेस एंड V फॉर विजन. ओके, OPD में CCTV हाँ से क्या हुआ, पिक आया. ओके, PICAI, P फॉर प्यूपिल, I फॉर आइरिस, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, A फॉर एंटीरियर चैम्बर, ओके, एंड I फॉर इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर्स. तो बेसिकली ये पिक आया निमोनिक, अगर आप याद नहीं भी करते तो भी आपको ये पॉइंट याद रहेगा ना, अगर आप कॉर्निया के बाद अंदर आप इंटर करते हो तो आपको एंटीरियर चैम्बर मिलेगा. ठीक है, और वहाँ पे आपको आइरिस मिलेगा और वहाँ पे एक्वस ह्यूमर से रिलेटेड आपको इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर मिलेगा और प्यूपिल का साइज देखने के लिए मिलेगा. तो ये चार पॉइंट आपको ऐसे याद रह सकता है. ठीक है, तो फिर से मैं एक बार रिव्यू करता हूँ. निमोनिक है OPD, ये पेशेंट आपको बताएगा ऑनसेट पेन ड्यूरेशन, में CCTV, M फॉर मीडिया, C फॉर कंजेशन, C फॉर कलर्ड हेलोस, T फॉर टेंडरनेस, V फॉर विजन. ओके, और पिक आया P फॉर प्यूपिल, I फॉर आइरिस, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, ओके, A फॉर एंटीरियर चैम्बर्स एंड I फॉर इंट्रा ऑगुलर प्रेशर. ठीक है, तो चलिए अब चार्ट को देखते हैं. तो अगर ऑनसेट की बात करें है ना, तो बेसिकली एक्यूट कंजक्टिवाइटिस में यहाँ पे जितना भी पॉइंट मैं बताऊँगा सब कुछ मिनिमम होगा, एबसेंट होगा या नॉर्मल होगा. ठीक है ना, बस डिस्चार्ज को छोड़ करके. ठीक है, जो डिस्चार्ज होगा वो यहाँ पे म्यूकोपोरलेंट होगा. ठीक है, तो ऑनसेट की बात करते हैं तो ऑनसेट यहाँ पे ग्रेजुअल होगा. अगर एक्यूट आयरिडोसाइक्लाइटिस की बात करें तो यूजुअली ग्रेजुअल और ACG में वो सडन होगा. पेन की बात करें तो माइल्ड डिस्कम्फर्ट, मॉडरेट, यहाँ पे सीवियर. डिस्चार्ज की बात करें म्यूकोपोरलेंट, वॉटरी, वॉटरी. कलर डायलोज में भी प्रेजेंट, एबसेंट, प्रेजेंट. विजन गुड, स्लाइटली इम्पेयर्ड, मार्टली इम्पेयर्ड. कंजेशंस सुपरफिशियल कंजक्टाइवल, डीप सिलियरी, डीप सिलियरी. टेंडरनेस एबसेंट, मार्क्ड, मार्क्ड. प्यूपिल साइज नॉर्मल, स्मॉल एंड इरेगुलर, जिसको कि हम लोग फेस्टॉन प्यूपिल भी बोलते थे. लार्ज एंड वर्टिकली ओवल. मीडिया की बात करें क्लियर, यहाँ पे हमको KP देखने के लिए मिलता था और यहाँ पे हेजी होता था ड्यू टू एडिमेटस कॉर्निया. एंटीरियर चैम्बर की बात करें नॉर्मल देखने के लिए मिलेगा, आयरिस नॉर्मल मिलेगा, इंट्राऑक्युलर प्रेशर नॉर्मल मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स एबसेंट मिलेगा. एंटीरियर चैम्बर्स में भी डीप, आयरिस मडी, इंट्राऑक्युलर प्रेशर यूजुअली नॉर्मल, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स लिटिल. और अगर यहाँ पे बात करें तो एंटीरियर चैम्बर वेली सेलो, आयरिस एडिमेटस, इंट्राऑक्युलर प्रेशर रेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स प्रोस्ट्रेशंस एंड वॉमिटिंग्स. तो बेसिकली ये चार्ट सबको याद रहता है अगर मैं कोई भी एक पॉइंट बताऊँ. जैसे विजन है ना, तो हमें पता है कि एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में है ना सडन विजन लॉस होता है. ठीक है, और हमें बहुत ही कम दिखता है. ठीक है, तो यहाँ पर मार्कली इम्पेयर्ड होगा ना, और कंजक्टिवाइटिस तो हम लोग सबको हुआ रहता है तो वहाँ पे तो विजन का कोई प्रॉब्लम आता नहीं. एक्यूट आयरिडोसाइक्लाइटिस में जनरली जो ना विजन इम्पेयर्ड नहीं होता है. ठीक है, तो स्लाइटली इम्पेयर्ड लिख रखा है. तो ऐसे कोई भी पॉइंट मैं लूँगा तो आप लोग आराम से तीनों फीचर्स बता दोगे. दिक्कत आता है कहाँ पर इसे याद करने में, तो मैंने निमोनिक क्या बताया था, OPD, ओके, ऑनसेट पेन ड्यूरेशन और डिस्चार्ज. ठीक है, CCTV, कलर्ड हेलोस, कंजेशंस, टेंडरनेस, विजन्स. ठीक है, OPD में CCTV, पिक आया, ओके, पिक आया, प्यूपिल, आयरिश, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, एंटीरियर चैम्बर एंड इंट्राओकुलर प्रेशर्स. फिर से रिव्यू करता हूँ. OPD, ऑनसेट पेन ड्यूरेशंस, में मीडिया,
CCTV, okay, congestions, colored halos, tenderness and visions. OPD में CCTV से PIC आया. P for pupil, I for iris, C for constitutional symptoms, A for anterior chambers and I for intraocular symptoms. Thank you.